नामकुम थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर उत्पाद विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी कर 15 लाख का अवैध शराब बरामद किया गया। नामकुम के मकुम थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जावा, महुआ और देशी शराब बरामद किया गया। हालांकि पुलिस को आता देख शराब माफिया शराब की भट्टी छोड़ फरार हो गए, जिस वजह से गिरफ्तारी में छापेमारी दल को सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप पकड़ उत्पाद विभाग उत्साहित नजर आया। अवैध शराब का बाजार मूल्य करीब 15 लाख बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नामकुम इलाके से ही बने अवैध शराब पीकर दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसके बाद इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले शराब माफिया सिंघानिया की गिरफ्तारी भी हुई थी और फिलहाल वो जेल की हवा खा रहा है। ऐसे में एक बार फिर इलाके में शराब की अवैध खेप मिलना खतरे की घंटी है।